कि इस तरह की बैटिंग करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की काम पे टांग जाए बस। मोहम्मद इरफान के लिए यही है कि आई लव यू जी बस। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज इन लबू एंड लगू। मैं आया था टेस्ट मैच देखने के लिए और मुझे एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने ऑस्ट्रेलिया के कोच ने ये बॉल गिफ्ट की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। आज बहुत अच्छी बैटिंग की, आज में मज़ा आया, बहुत अच्छी बैटिंग हुई और ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और ख्वाजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। क्राउड बहुत सपोर्टिंग था, दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे थे और बहुत इंजॉयबल था। पिच कंपैरेटिवली बेहतर थी रावल पिंडी से, मतलब वो तो स्ट्रेट रोड दिखाया। सेकंड टेस्ट में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है कराची की पिच से, फर्स्ट डे पर वो वैसी ही एक्ट कर रही है और 250 रन तकरीबन बना लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ने। तो लास्ट मोमेंट पे स्टीन स्मिथ आउट हो गया, सारा दिन बहुत अच्छा खेल के गया वो, और स्पेशली जो उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे वाज अ वंडरफुल डे ऑफ क्रिकेट, इट वाज फन टू सी ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान आफ्टर द ईयर 1998। आई थिंक बोथ टीम्स प्लेड रियली वेल, इट्स आल्सो वेरी एक्साइटिंग टू सी उस्मान ख्वाजा फाइनली स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी, एक्सक्यूज मी, इन कराची। And of course, in the second to last over, also nice to see Hasan Ali take a wicket. And I would say, on an overall point of view, the game is still pretty much even. Usman Khawaja and Steve Smith played really well. Usman Khawaja has century carry. Last time he missed the century by 3 runs. So today we were really looking forward to his century. So we have seen it. Kafi maza aaya. Apart from that, Steve Smith played really well. Uske alawa, the rest of the guys, Shaheen Shah Afridi bowled really well. Last mein Hasan Ali ne wicket li, so that was really exciting to see. Hi, so today's day was really good in terms of cricket because we saw everything legit. I came in here, I didn't know who won the toss, who's gonna do the batting, who's gonna do the bowling. But turns out the day was absolutely amazing because we saw Smith on trees, we saw Labu Shane, we saw Warner, it was a very, very good day. हम बहुत ज़्यादा excited थे कि आज wickets गिरेंगी, but unfortunately बहुत ज़्यादा runs किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। एंड सेकेंडली ये कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पैट कमिंस डिक्लेयर कर देंगे इनिंग, बट उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं की। उस्मान ख्वाजा ने बहुत ही अच्छी आज ये अपने सेंचुरी स्कोर की थी कराची में। वैसे जो पिछले मैच में वो अनफॉर्चुनेटली 97 पे आउट हो गया था, लेकिन इस बार उसने सेंचुरी बना ली। अभी तो मैं कहना उसका स्कोर कोई 125-130 पे जा रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ख्वाजा ने 100 मारे वो मतलब दिल जीत लिया, और इस स्मिथ है उसकी वजह से बेसिकली मैं आया था, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसके बड़े ज़बरदस्त रन थे। अनफॉर्चुनेटली वो आखिर में जो है ना थोड़ा सा बैड लक हुआ, थोड़ा सा वो आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग करी है, मगर हमने जो बॉलिंग करी है वो इतनी अच्छी नहीं करी है। हमने नेगेटिव लाइन पे बॉलिंग करी है और हमने रन रोकने की हम जो है रन रोकने की तरफ गए हैं। अगर हम विकेट लेने की तरफ जाते तो हम विकेट ले भी सकते थे, मगर पिच बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है हमें। पाकिस्तान को अभी तक तो जैसे थर्ड डे और फोर्थ डे का सुनने में आ रहा है कि पिच जो है बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट हो जाएगा, तो कलैप्स होने के चांसेस हैं, तो मच बेटर ये है कि ड्रॉ की तरफ ही जाएँ, नॉट फॉर द विन। जी, इस तरह की बैटिंग करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की काम पे टांग जाए बस। पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा मोहताज स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिच पुरानी भी हो जाएगी विद टेस्ट मैच गोइंग ऑन, तो हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात से खेलना होगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि थोड़ा पिच में रहना पड़ेगा, ड्रॉ भी हो जावे, इमाम उलक को अब्दुल्ला शफी को थोड़ी सी पार्टनरशिप दिखानी पड़ेगी, और आगे बाबर आजम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 24 इयर्स बाद पाकिस्तान आए, तो बाहर वाले आने मेहमानों की ऐसी खातिर तवाज़ा करनी चाहिए। जी, जैसे हमने तो करके आए थे कि आज बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लब्स कर गई, अभी टारगेट जो मिला है 500 प्लस अभी हो गया है। अब पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग्स में विकेट बचानी होगी और ड्रॉ की तरफ ये मैच लेके जाना होगा। Tough fighting out there, but we weren't able to get it done. It's only day 3, but unfortunately the way that we were batting, I don't think we can get it done. We lost 10 wickets today. That's so sad, but you know, we got to try better next time. I flew 18 hours from Detroit, Michigan. Shout out Detroit. And we just got to be better next time. Assalamu alaikum. Hum log Gilgit Baltistan se specially hum log yahan pe cricket match dekhne aaye the.
शुरू में तो हमें फर्स्ट दो दिन का तो टिकट भी नहीं मिला, आज तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिला। तो आज हमने हम तो सोच रहे थे मैच को एंजॉय करें, पाकिस्तान की बैटिंग देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग हम समझ रहे थे अच्छी बॉलिंग करेंगे शाहीन हसन अली, लेकिन इस तरह तो नहीं हुआ। बहरहाल बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग भी खास इतनी खास नहीं थी हमारी। तो कल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है उनको ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करें, जल्दी आउट करके फिर इसको मैच जीत तो नहीं सकते, एटलीस्ट ड्रॉ करें। पाकिस्तान के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा क्योंकि बैटिंग में भी आज पाकिस्तान कोलैप्स कर गई थी बैटिंग पाकिस्तान की, और बाकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही पाकिस्तान की। एक विकेट जल्दी हमने आउट कर दी थी वार्नर को, बट जो लबुशन का कैच छूटा रिजवान से वो थोड़ा हार्ड लग रह गया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो कल का दिन होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा, और हम लोग इंशाल्लाह विश आई विश कि हम लोग कल पाकिस्तान मैच जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आया था बाबर आजम की बैटिंग देखने, मुझे लगा था बाबर आजम सेंचुरी करेगा लेकिन वो तो जल्दी आउट हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग करी है आज, लेकिन मैं ये करता हूँ कि वो आगे और अच्छा खेलें, कोशिश यही है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रावलपिंडी में काफ़ी अच्छी रही है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन कराची में उन लोगों ने थोड़ा मायूस किया है। मेरे ख्याल से अब तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जीत तो आउट ऑफ हैंड्स है, क्योंकि टारगेट अगर 500 प्लस है तो वो चेज नहीं हो सकता इस विकेट पे, तो यही कर सकते कि आप टाइम के लिए बैटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। यार मैच में ये था कि हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके आए थे और हमारी टीम बहुत अच्छी कंडीशन थी और हम लोग बड़े आराम से जीत सकते थे, मैच जीतने वाला था। बीच में अगर ये ऊपर नीचे बाबर के बाद फहीम ना आउट होता ना तो हम मैच हमारे हाथ में था। बाकी मैच को एंजॉय किया बस बाबर की 200 नहीं देख सके और रिजवान की 100 ने हमें वो जो ड्रॉ की जो मायूसी थी उसको खत्म कर दिया, बस रिजवान की 100 हुई है, हम लोग आए बहुत खुश हैं। मैच पाकिस्तान जीत भी सकता था, उसमें मसला नहीं था, लेकिन बहुत स्लो खेला थोड़ा शुरू में, बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, लेकिन आखिर में तो आके थोड़ा फिनिश अच्छा किया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फर्स्ट इनिंग्स में तो कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि आपने देखा था बहुत जल्दी आउट हो गए थे सारे, लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने कमबैक किया और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने उस फॉर्म को कंटिन्यू किया और मैच एटलीस्ट ड्रॉ तक तो लेके गए, वो फॉलो ऑन मिल जाता तो हो सकता ये भी ना नतीजा निकल। स्ट्रेसफुल, हाईली एंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आया। फिट बैटिंग देखी है हमने, फिट बॉलिंग देखी है, एंड लाइक ओवरऑल दिस इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आप देख सकते हैं दुनिया में। It was a really good game. काफ़ी difficult हो गया था fifth day में after Babar and Fahim got out, लेकिन अच्छी कोशिश की काफ़ी सब ने and they played really well to finish the game. पूरा match तो ठीक था, ending बहुत अच्छी थी, it was quite intense for a test match and I feel Babar and Rizwan both played brilliantly. Babar was the best of course, and काश थोड़ी देर और रुक जाता तो उसकी 200 हो जाते, but unfortunately चले next time maybe. That's it, thank you.